राधे राधे। भक्तों, भगवान के भक्त जो होते हैं विचित्र विचित्र प्रकार के होते हैं। कोई तो उनकी माया से बचना चाहता है और प्रभु से कहता है कि मैं आपकी माया से दूर रहूं, प्रभु कृपा करना। मामे वे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरति ते, स्वयं भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरणागत होते हैं मेरी माया से तर जाते हैं। सुखदेव जी महाराज मां के पेट से नहीं आ रहे थे इसलिए कि मुझे माया ग्रस लेगी, मैं परेशान हो जाऊंगा। जब भगवान ने जा करके वचन दिया कि तुमको मेरी माया छुएगी भी नहीं, तुम आओ बाहर, तब सुखदेव जी बाहर आए। और महाराज एक विचित्र भक्त हुए भगवान के, मार्कंडेय मुनि मृकंड ऋषि के पुत्र। अल्प वय प्राप्त थी उनको, भगवान शिव ने उनको जीवन दान दिया। महाराज वे मार्कंडेय मुनि भगवान को बहुत प्रिय, भगवान ने जब उनको प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और प्रभु ने कहा कि मार्कंडेय क्या चाहते हो मांगो, तो मार्कंडेय निष्कामी थे, उनको कुछ नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा प्रभु मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ, आपकी माया की शक्ति देखना चाहता हूँ। प्रभु मैंने नहीं देखा आपकी माया कैसी होती, क्या शक्ति उसमें होती है। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो तुम मेरी माया देख लोगे। और वो तो दीर्घ जीवी हो मुनि हो गए थे शिव जी के प्रताप से। तो धीरे 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 वो समय आ गया प्रलय काल का, महाप्रलय, भयंकर समय। और उसमें तो सब जीव जंतु समाप्त हो गए, बस मार्कंडेय जी रहे। उन्होंने देखा सूर्य का प्रबल प्रलय वाला सूर्य उदय हुआ और बिजली बरसने लगी, नक्षत्र टूटने लगे, बादल कड़कने लगे, नदी नद सब सूख गए, पानी खत्म, ऊपर नीचे आग ही आग हो गई। प्रचंड पवन की सहायता से अग्नि ने सब भस्म कर डाला। और इस महाघोर प्रलय के संकट में एकमात्र महर्षि मार्कंडेय ध्याननिष्ठ रहे। और थोड़ी देर में ही प्रलय अनल ने उन्हें भी व्याकुल कर दिया। फिर रक्षा के लिए वो दौड़ने लगे अपने रक्षा के लिए। बस उनको आग ही आग चारों तरफ दिखलाई पड़ रही थी। तब उन्होंने भगवान को याद किया और इतने में उनको एक वट का वृक्ष दिखलाई पड़ा। और जब उसकी जड़ के पास वो पहुंचे तो वहां अग्नि भी नहीं थी, अंगारे भी नहीं थे, न बिजली गिरती थी। मुनि वहां पर शांति प्राप्त करके ध्यानस्थ हो गए। और वो वट वृक्ष था अक्षय वट। और थोड़ी देर में भक्तों आकाश में काले पीले तमाम बादल इकट्ठे हुए और महाराज बादलों की कड़कड़ाहट चालू हुई। भीषण अग्नि जो पहले प्रलय वाली अग्नि जल रही थी वो सारी अग्नि बुझ गई क्योंकि इतनी जोर की वर्षा होने लगी। जल ही जल हो गए चारों तरफ, देव दानव मानव किसी का भी अस्तित्व न रहा। मार्कंडेय ने आंखें खोल कर देखा जल ही जल, न वट का पेड़ है, न चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, पवन, कोई जीव कुछ नहीं। चारों तरफ घनघोर अंधकार और जल ही जल, जल के अलावा कुछ भी कहीं नहीं दिखता था। मार्कंडेय जी महाराज प्रबल प्रवाह में बह चले, भगवान का ध्यान किया, मन ही मन उनके शरण हुए। तब दिव्य वाणी सुनाई पड़ी भगवान की, बोले डरो मत, मैं रक्षा करूंगा। और उन्होंने देखा वही विशाल वट वृक्ष अक्षय वट,
जिसमें एक बड़ा सा पत्ता दोना जैसे आकार कुछ कुछ लिए हुए और उस पर चम 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 चमाता हुआ तमाम आभूषणों से भरपूर एक सुंदर सा शिशु दिखलाई पड़ा। वो अपने एक हाथ से पैर को पकड़ करके पैर के अंगूठे को मुख में डाल करके चूस रहा था। ऐसी अद्भुत शोभा थी कि महाराज करोड़ों सूर्यों की शोभा को लजाने वाली महान तेज परंतु शीतलता अत्यद्भुत सुंदरता। और वो सोचने लगी बालक कितना सुंदर कहां से आ गया इस जल में। यद्यप मुनि ज्ञानी थे लेकिन भूल गए थे कि भगवान है। और ठाकुर जी ने पर्णपुट में जब शयन करते हुए अपना दर्शन दिया मुनि को, मुनि प्रेम विभोर हो करके लपक करके उस पत्ते की तरफ जल में बह चले जोर से तैरते हुए। और तब बच्चे ने मीठी सी आवाज में कहा, वत्स तुम बहुत थक गए हो, इस विपत्ति से बचने के लिए मेरे शरण आ रहे हो, कोई बात नहीं। मुंह खोल दिया भगवान बाल कृष्ण ने पर्णपुट में लेटे हुए कन्हैया ने और उनके मुंह में ही प्रवेश कर गए महाराज मार्कंडेय मुनि। और मुनि जी मुंह में ही केवल नहीं गए, उदर के अंदर भी पहुंच गए और बाल कृष्ण के उदर में जा करके देखा मुनि ने, नाना लोक अनेकों विचित्र समुद्र अनेकों द्वीप समुद्र द्वीप तमाम विचित्र पृथ्वी रत्न पहाड़ वृक्ष जीव पशु पक्षी देवता ऋषि मुनि अप्सरा स्वर्ग पाताल सब दिखलाई पड़ा। भगवान की कृपा से उनकी पूर्व स्मृति बनी रही। वे इस तरह से अंदर ही अंदर बहुत भटके परंतु भगवान के पेट के अंदर जो दुनिया दिखलाई पड़ रही थी उसका कोई और छोर नहीं था। और देखते देखते मुनि घबरा गए, अंत में फिर भगवान की शरण में होकर ध्यान किया। और तब भगवान बालक रूप में जो ठाकुर जी थे उन्होंने मुंह खोला और मुनि मार्कंडेय मुंह के बाहर आकर के जल में धब से गिर गए। और बाहर निकल के देख रहे हैं कि वही वट का वृक्ष है, उसी वृक्ष की पर्णपुट पर जो प्रभु सो रहे हैं बाल मुकुंद, उनके सामने वो पानी में तैर रहे हैं और ठाकुर जी हंस रहे हैं। भगवान ने कहा, तुम्हें मेरे पेट में शांति मिली, क्या क्या देखा उसके अंदर? और मुनि तो प्रेम विभोर होकर भगवान की लीला देखने लगे। बोले, प्रभु आपकी कृपा से बहुत कुछ देखा, अंदर पूरा विश्व दिखलाई पड़ा। और फिर हाथ जोड़ करके वो स्तुति करने लगे, जल पर ही हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की। और तब तक माया का पर्दा ठाकुर जी ने हटाया, फिर उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और मुनि भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। भक्तों, भगवान प्रसन्न होकर के बोले, बोलो तुम्हारी कौन सी कामना पूर्ण करूं मुनि? भगवान की दिव्य वाणी सुनकर मुनि बोले, प्रभु मैं आपका स्वरूप जानना चाहता हूं, आपके उदर में न मालूम कितना फिरा परंतु कहीं आपका और छोर नहीं मिला। हे पुनरीकाक्ष, बताओ आप कौन हो प्रभु, और शिशु रूप में यहाँ खेल रहे हो? शिशु रूप में इतने जल के बीच में आप खेलते हुए, आपको देखकर मेरे समझ में नहीं आ रहा आप कौन है। फिर भगवान स्वयं अपना परिचय देना प्रारंभ किया।
भगवान बोले मार्कंडेय, तुम तो एक मनुष्य हो, हे ब्राह्मण, देवता भी मुझको भली भांति नहीं जानते। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर के अपना किंचित रहस्य तुम्हें बतलाता हूं, ध्यान से सुनो। भगवान बोल रहे हैं और मार्कंडेय जी सुन रहे हैं। हे विप्रषे, तुमने अपने पिता की भक्ति की है, मेरे शरणागत हुए हो, तुम असाधारण रूप से ब्रह्मचारी हो, तुमने ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन किया है, मैं जानता हूं और मैं तुम्हारे ऊपर बहुत संतुष्ट हूं। देखो, प्राचीन काल में मैंने जल का एक नाम नार रखा था, इससे मेरा नाम नारायण है। ये नार सदा ही मेरे अयन है, मैं नारायण हूं। और मार्कंडेय, मैं अविनाशी हूं, नित्य हूं, सर्वभूतों का विधाता और सृष्टि करता हूं। मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्र, यम, प्रजापति, धाता, विधाता और यज्ञ हूं। अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी मेरे चरण है, सूर्य चंद्र मेरे नेत्र हैं, और ऊर्ध्वभूमि मेरा मस्तक है। आकाश और दिशाएं श्रोत्र हैं, समुद्र पसीना है, और नभमंडल मेरी काया है, वायु मन है। ये जो सृष्टि है मेरी इच्छा से उत्पन्न होती है, क्षत्रिय, वैश्य और जितने हैं ब्राह्मण आदि, ये सब मेरा पूजन करते हैं, मेरी इच्छा से जन्म लेते हैं, और मैं ही बड़वा नल बन करके जलराशि का पान करता हूं, और जलमग्ना पृथ्वी का वाराह रूप धारण करके मैंने उद्धार किया था। चारों वर्ण मुझसे ही निकलते हैं, चारों वेदों का प्रादुर्भाव मुझसे ही हुआ है, और ये सब मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मार्कंडेय, जो समता युक्त हैं, मन इंद्रियों को जीते हुए हैं, तत्व जिज्ञासु हैं, काम क्रोध आदि विकारों से हीन हैं, आसक्तिहीन हैं, निष्पाप हैं, सत्वगुणी हैं, निरहंकारी हैं, अध्यात्मदर्शी पुरुष हैं, वे ही सम्यक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, तन्मय होकर उपासना करते हैं। मार्कंडेय, आकाश में दिखने वाले सब तारे मेरे रोमकूप हैं, दिशाएं और सागर सब मैं ही हूं, भले बुरे सभी भाव मुझसे ही होते हैं, सत्य, दान, तप और सर्वभूतमय अहिंसा, ये सब से जीव का कल्याण होता है, उसका मूल भी मैं ही हूं। और मार्कंडेय, मेरी शक्ति को कोई समझ नहीं सकता है, मैं कृपा करके तुमको अपना परिचय बतला रहा हूं। भगवान ने कहा, जो भली भांत मेरी पूजा अर्चा करते हैं वे क्रोध आदि को जीत करके मुझको प्राप्त हो जाते हैं, पापी मनुष्य कदापि मुझे नहीं पाते। जो पाप का प्रायश्चित मन से कर लेता है उसके ऊपर मेरी कृपा हो जाती है, और जो लोभी, कृपण, इंद्रियों के दास और अशुभ कर्म करने वाले पुरुष हैं वो मुझसे बहुत दूर रहते हैं, कुयोगी और विमोह लोगों के लिए दुष्प्राप्य हूं। जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युदय होता तभी मैं प्रकट होता हूं। जब दैत्य लोग हिंसा परायण हो जाते हैं और देवों के द्वारा
भी नहीं मरते, तब मैं मानव रूप में प्रकट होता हूं और दैत्यों का संहार करके धर्म की स्थापना करता हूं। मार्कंडेय, धर्म की स्थापना मेरा कार्य है, अपनी माया से ही सबका संहार और पुनर्सृजन करता हूं। मैं स्वयं काल हूं, मैं काल चक्र का प्रवर्तक भी हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब भूतों का शमन करने वाला हूं। और आश्चर्य यह है कि सब में सदा स्थित होने पर भी मुझे लोग जानते नहीं, भक्त तो लोग मेरी पूजा करते हैं और उनको भक्ति का आनंद मैं देता हूं, उनको ज्ञान भागवत प्रेम यह सब मेरी कृपा से प्राप्त हो जाता है। और मैं ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण हूं, जब तक हजार युग नहीं बीतेंगे तब तक मैं विश्वात्मा समस्त विश्व को विमोहित करके सोया रहूंगा, और जब तक ब्रह्मा विबुद्ध न होंगे तब तक मैं आशीष होकर भी शिष्य रूप में रहूंगा। हे विप्रशियों द्वारा पूजित मुनिवर, मैं तुम्हारे प्रति संतुष्ट हूं, इसी से तुम्हें यह रहस्य बतलाया हूं। जब तक ब्रह्मा नहीं प्रकट होंगे तब तक तुम यहीं सुख से रहो, और जब लोक पिता में ब्रह्मा प्रकट होंगे तब मैं अकेला ही सब भूतों की, आकाश पृथ्वी ज्योति वायु जल इत्यादि चराचर पदार्थों की पुनः सृष्टि करूंगा। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर महान तपस्वी भक्त मार्कंडेय मुनि कृतार्थ हो गए, प्रभु के चरणों में शरणागत हुए और भगवत कृपा से भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त करके भगवत स्वरूप को आत्मसात करके वो समाधिस्थ हो गए, चिरजीवी मुनि हैं। भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा है, इसलिए अपनी माया का भी दर्शन कराते हैं और अपने ज्ञान को भी प्रदान करते हैं, अपने तत्व रूप का बोध भी कराते हैं, अपनी भक्ति भी देते हैं। ऐसे प्रभु के कृपा पात्र हैं भक्त संत मार्कंडेय मुनि, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे, जय जय श्री राधे।